अस्सलाम वालेकुम एवर्स, वेलकम टू फ्रेंड्स किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी से चिकन पकौड़ाज। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मेरे पास जो चीज़ें हैं वो हैं हाफ़ के जी बोनलेस चिकन, एक कप बेसन, एक दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, एक गट्ठी हरा धनिया, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबुत, 1 टीस्पून मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्चें। तो चिकन में हम स्पाइसेस डालेंगे, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा पाउडर और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, धनिया डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद हम इन्हें एक साइड पे कर देंगे और दूसरे बाउल में हम बेसन डालेंगे। उसमें नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसका हम एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे और चिकन को हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा बेसन चिकन के हर स्लाइस के ऊपर लग जाए। तो बेसन और चिकन मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक दूसरे बर्तन में ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम चिकन स्लाइसेस को 1 by 1 ऑयल में डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे।
इसी तरह से हम सारे चिकन स्लाइसेस को ऑयल में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। बहुत मज़े के क्रिस्पी से पकौड़े तैयार हुए हैं। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।